पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब YouTube पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा सदर प्रखंड के लगमा बस स्टैंड स्थित सरकारी विद्यालय में बने ट्रांजिट सेंटर में रखे गए करीब 100 प्रवासी मजदूर अव्यवस्था के खिलाफ आज सुबह जमकर हंगामा कर करीब 2 घंटे तक NH-75 को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जानकारी के मुताबिक ट्रांजिट सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं होने से नाराज प्रवासी मजदूर अचानक आक्रोशित हो गए। थोड़ी ही देर में मजदूर लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर सड़क पर उतर आए, जिससे वहां का माहौल अचानक खराब हो गया। बाद में जानकारी मिलने के बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराकर सभी को विद्यालय में ले गए। उसके बाद माहौल शांत हुआ। तत्पश्चात NH-75 पर आवागमन चालू हुआ। हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों का कहना था कि विद्यालय में बिना कुछ व्यवस्था के हम सभी को ट्रांजिट सेंटर में रख दिया गया है। खाने पीने की सुविधा नहीं के बराबर है, जबकि कैंपस में साफ सफाई तो एकदम ही नहीं है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि सेंटर को एक बार भी सैनिटाइज नहीं किया गया है, यहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है, ऐसे में यहाँ रहना मुश्किल है। लोगों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन के पास फंड और सुविधा नहीं है तो उन्हें सुरक्षित घर भेजा जाए, जहां सभी प्रवासी मजदूर होम क्वारंटाइन पर खुद रहेंगे।